पहाड़ से रेगिस्तान तक सैलाब ने अपना कहर बरपा रखा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां औसत से ज्यादा बारिश पड़ोसी राज्यों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में आने वाले कई घंटों तक लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। न्यूज 18 इंडिया आपको सैलाब की ऐसी कहानी दिखाने जा रहा है जिसने आधे भारत में कहर बरपा रखा है। सैलाब से सहमा हिंदुस्तान, जानलेवा हुआ जल प्रहार, 20 मझधार में जिंदगी की जंग। कुदरत का बेहिसाब कहर, कहीं दीवार गिरी, कहीं धराशायी हुआ पहाड़। उत्तराखंड में तेज बारिश ने कहर बरपाया हुआ है तो वहीं पहाड़ियां दरक रही हैं। मैं इस वक्त कपकोट इलाके में हूं, कपकोट के हर्षिला इलाके में। ये देखिए सड़क ब्लॉक हुई। नहीं थम रही आसमानी आफत, कुदरत की इस असीम ताकत ने आधे हिंदुस्तान में तांडव मचा रखा है। जल प्रलय की ये ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। बेतरतीब बारिश के बाद नदियों का उफान, सब कुछ लीलने को आमादा है। ये तस्वीरें राजस्थान की हैं, जहां आधा अगस्त बीत जाने तक 130% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये इतनी ज्यादा है कि कई सालों बाद नदियों और झरनों को लोगों ने लबालब देखा है। मेज नदी का ये उफान किसी को भी डरा सकता है। लहरें इस कदर तेज हैं कि सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। नदी इस कदर बेकाबू है कि उसके आगे किसी का भी टिकना मुश्किल है। शहर के बीच से गुजरती लहरें किसी तबाही की तरह है। लोग तमाशबीन हैं, सैलाब में फंसे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि अकेले इन लहरों का मुकाबला कर सके, लिहाजा एक रस्सी के सहारे ये लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। मंत्री जी को निकाला, उनको भी ट्रैक्टर से निकाला, और जो बचाव के लिए टीम आई रेस्क्यू टीम, उनको भी रेस्क्यू टीम को भी आपने ट्रैक्टर से निकाला। जोधपुर में मानसून इस कदर मेहरबान हुआ कि कई सालों से सूखे झरने ने रौद्र रूप ले लिया। माँ चामुंडा के ऊपर से बहते इस बेकाबू झरने को लोगों ने सालों बाद देखा। आलम यह हो गया कि मंदिर के बाहर मौजूद विशाल कुंड भी लबालब हो गया। यहाँ सैलाब तबाही मचाने को तैयार है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं कि इसी बीच सैलाब की टक्कर में एक मकान जल समाधि ले लेता है। हालात यहाँ बेहद भयावह हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि शहरी इलाके में ये पानी गले तक पहुंच गया है। भीलवाड़ा की ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं। एक गाड़ी लहरों को चुनौती देकर आगे बढ़ना चाहती है। ये एक ऐसा दुस्साहस है जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन ड्राइवर इस चुनौती को अनदेखा करता है और लहरों को चीर कर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन लहरों का वेग इस कदर है कि मशीनी ताकत इनके आगे जवाब दे गई और देखते ही देखते गाड़ी सैलाब में समा गई। हालांकि गाड़ी में सवार चारों लोग तैर कर बाहर जरूर आ गए, लेकिन मौके पर मौजूद जिस शख्स ने ये तस्वीरें देखी उसके रोंगटे जरूर खड़े हो गए।
जहां नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। एक शहर मानो टापू में तब्दील हो गया है। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों में आए उफान ने कोटा की हालत बद से बदतर कर दी है। सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। जहां हाईवे था वहां अब सैलाब का कब्जा है। दूर दूर तक रास्ते का नामो निशान तक नहीं है। आलम यह हो चुका है कि कई फीट पानी के बीच लोग रिस्क लेकर रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को रिस्क लेने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कोटा के ही एक अंडरपास में फंसी इस कार को इसकी बानगी माना जा सकता है। लोग धक्का देकर गाड़ी निकालने की कोशिश में हैं, लेकिन कई फीट पानी के बीच कार टस से मस नहीं हुई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को निकाला जा सका। लगातार हो रही बारिश ने टोंक में हालात बेकाबू कर दिए हैं। बनास और उसकी सहायक नदियों का उफान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। जिन पटरियों से ट्रेन गुजरा करती थी वो पटरियां सैलाब की भेंट चढ़ चुकी हैं। जिन रास्तों पर कभी सड़क साफ नजर आती थी वहां बाढ़ का पानी है। लिहाजा छोटे छोटे बच्चों को किनारे तक पहुंचाने के लिए SDRF ने मोर्चा संभाल रखा है। मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। ये 4 तस्वीरें इसकी बांध की है। बेहिसाब बारिश के बाद बांध लबालब हो चुके हैं। मालवा, गुना, इटारसी और खंडवा में बांध के गेट खोले जा चुके हैं, जिस वजह से सैलाब का पानी लगातार आबादी की ओर बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़ा गया पानी किस कदर अपना कहर बरपा रहा है, ये श्योपुर की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। कई फीट पानी के बीच लोग पलायन को मजबूर हैं। डूबने का खतरा है, लेकिन जान बचाने के लिए जान हथेली पर लेनी ही पड़ती है। कमर तक पानी के बीच लोग अपनों को बचाने के लिए सैलाब से जंग लड़ रहे हैं। चुनौतियां बाढ़ की तरह बेहिसाब हैं, लेकिन कुदरत के इस रूप के आगे भला कौन ठहरता है। कुदरत की ताकत किस कदर है, नीमच से आई ये तस्वीरें साफ बताती हैं। लहरें बाजार से होकर गुजरी तो सड़क के किनारे मौजूद एक दुकान ताश के पत्तों की मानंद ठह गई। और मन्नत तो नहीं, क्या कहना? लोग एक टक सब कुछ देखते रहे, लेकिन उसके अलावा कर भी क्या सकते थे। भारी बारिश ने यहाँ जमीन को खोखला कर दिया है। पलक झपकते ही यहाँ सब कुछ ठह जाता है। ये दीवार और ये पेड़ कुदरत के कहर का शिकार हो गए। यहाँ जिंदगी दांव पर लगी है। पुरोला इलाके में भारी बारिश के बाद नाले में आया उफान मुसीबत का ऐसा सबब बना कि लोगों को रस्सी के सहारे इस दरिया को पार करना पड़ा। यहाँ जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन रास्ते को पार करना मजबूरी है, इसलिए एक एक करके ये रस्सी को थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। मौत का ये खेल इन लोगों के लिए नियति बन चुका है, क्योंकि हर साल मानसून के मौसम में यहाँ लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ
मनाली के पतली कुहल में व्यास नदी का पानी इस कदर उफान पर है कि कोई भी तिनके की तरह बह सकता है। इसी बीच नदी के दूसरी तरफ दो लोग फंसे हैं। सैलाब कभी भी इन्हें बहाकर अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन रेस्क्यू टीम की नजर इन लोगों पर पड़ चुकी है। एक क्रेन पर तार बांधकर पहले एक शख्स को निकालने की कोशिश शुरू की जाती है, लेकिन ये आदमी लहरों की चपेट में आ जाता है। हालांकि मजबूती से तार पकड़ने की वजह से ये किनारे तक आ जाता है। उसके बाद दूसरा शख्स भी क्रेन में लटके तार को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी लहरों की जद में आ जाता है। तार इसके हाथ से कभी भी छूट सकता है। बावजूद इसके इसका हौसला जवाब नहीं देता और ये शख्स भी बाहर आ जाता है। पहाड़ पर बारिश क्या रूप ले सकती है? धर्मशाला से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। ये कोई नदी नहीं बल्कि पालमपुर का न्यूगल नाला है, जो बेहिसाब बारिश के बाद किसी विकराल नदी में तब्दील हो चुका है। लहरों का शोर इस कदर है कि किसी को भी डरा सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर कुदरत ने अपना कहर बरपाया। देखते ही देखते पहाड़ भरभरा कर गिरने लगा, जिस वजह से गोहर से न्यारी की ओर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ गिरा उस वक्त कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। पंजाब में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और अब इसका असर भी दिखने लगा है। बेतरतीब बारिश के बीच यहां मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में मौजूद हूं और ये आनंदपुर साहिब का बस स्टैंड है, जहां पर आप देखिए किस कदर तेज बारिश हो रही है। ऐसे में लोग जो यहां पर शेड बने हुए हैं बस स्टैंड के, वहां पर रुके हुए हैं और अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां 72 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। भाखड़ा डैम से छोड़ा गया 60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी कहर बरपाने को तैयार है। आलम यह हो चुका है कि सतलुज की भेंट सैकड़ों हेक्टेयर फसल चढ़ चुकी है, जबकि भाखड़ा नागल डैम से छोड़ा गया पानी आनंदपुर साहिब में दाखिल हो चुका है। खेत खलिहान सैलाब की जद में आ चुके हैं। पंजाब के भाखड़ा डैम में पानी खतरे के निशान के आसपास आ चुका है और इस बीच पंजाब में मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे के लिए भारी बारिश की आशंका भी जाहिर की है, जिसके चलते भाखड़ा डैम से करीब 60,000 क्यूसिक के आसपास पानी छोड़ा गया था। और आप ये देखिए जो पानी है वो आसपास के गांवों की तरफ लगातार बढ़ रहा है। गाँवों में जो तैयार फसल खड़ी थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और पानी के हालात क्या हैं ये देखिए। कच्चे तटबंधों को तोड़ती हुई लहरें लगातार आगे बढ़ रही हैं। खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली पर भी सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 1,43,000 क्यूसेक पानी निचले इलाकों पर सैलाब का खतरा लेकर आया है। यही वजह है कि लगातार बढ़ते यमुना के जलस्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। कर्नाटक के मंगलुरु में बाढ़ प्रभावित इलाकों से ये डराने वाली तस्वीर आई है। नीचे सैलाब का पानी बह रहा है और उसे पार करने के लिए लट्ठों से बने इस पुल का सहारा लिया जा रहा है। किसी भी पल यहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन जान को जोखिम में डालकर लोग इस नदी को पार करने पर मजबूर हैं।